यहाँ तक Hyundai Verna से पहुँचा, बता दूँ आपको 1.5 लीटर का ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है और पूरी बर्फ से ढक चुकी है, हालांकि थोड़ी बहुत पिघल गई है, बट मैं क्या करके दिखाने वाला हूँ आपको, मैं स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ, देखूंगा क्या ये एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जरूरी है आपको ये जानना। तो आइए आपको ले चलते हैं गाड़ी के अंदर एक राउंड देते हुए और देखता हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है। रिक्वेस्ट सेंसर जिंदाबाद, खुल गया, सब कुछ तो सही दिख रहा है। और ये गाड़ी हो गई स्टार्ट, मतलब एक बार में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अगर आप गाड़ी को कहीं लेके आ रहे हैं हिल्स पे, तो वहां पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हालांकि मामला कैसा होना हुआ ये भी देख लीजिए, पूरा हट गया। तो यहाँ पर एक दादी जी मिली हैं जो 82 साल की हैं, और दादी जी को दिखा देता हूँ। और ये दादी जी को खोज किया है गणेश भैया ने, यहाँ कोई नहीं आता लेकिन गणेश भैया आते हैं। मानवी, ऑल वेल? तो दादी कैसी हो? बढ़िया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो सर ऐसे ही साफ करते हैं आप क्या? ऐसे ही सुबह सुबह साफ करते हो? And for this moment to let... तो अगर आप फ्रेश स्नो पे चल रहे हैं तो एक ट्रैक्शन चाहिए होता है पैरों को, ये देख लीजिए। और मैं रेकमेंड करूँगा कि इसमें चलने की बजाय जो बना हुआ है यहाँ पर चलिए जो फ्रेश वाला है, तो आपको एक जो है ट्रैक्शन मिलता रहेगा। जैसे गाड़ियों के टायर को चाहिए होता है ट्रैक्शन, वैसे पैरों को भी, आपके शूज़ को भी ट्रैक्शन ज़रूरी है। तो बेसिकली जो ट्रैक करके हम लोग जा रहे हैं, तो किसी उद्देश्य के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन किस लिए जा रहे हैं मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लग्जरी नहीं मिलती है जब आप आते हैं, तो चाहे जितना आप बात कर ले, जो बुकिंग वगैरह ले रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाली है ये देखो यही मालिक है यहाँ का। तो हम जा रहे हैं किस लिए? मैम किस लिए जा रहे हैं आप बताइए जरा। हम दूर चलने जा रहे हैं, दिस इज नॉट एन एडवेंचरस ट्रैक, इट इज अ नीड बेस्ड ट्रैक। तो अभी हम लोग जो है दूध लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 3 किलोमीटर ऊपर से जाके दूध लेके आएंगे, इसके बाद में फिर भैया चाय वाय बनाएंगे, पियेंगे। और जो यहाँ के ऑनर हैं मिस्टर गणेश, गणेश जी सुनिए जरा, इधर देख लो जरा, कुछ लोगों से मिल लो, मुखातिब हो जाओ। हाँ आओ, मैं चाहता हूँ तुम कुछ बोल दो यहाँ के लोगों को, कम से कम जिसे इनवाइट कर रहे हो यहाँ आएंगे उनको क्या मिलने वाला है, आइए। तो ये गणेश जी हैं, भगवान वाले नहीं, इंसानों वाले। तो देखिए देखो शर्मा रहे हैं। अरे बोलो भैया, क्या क्या मिलेगा आपके यहाँ पे फ्री बर्डनेस में? सब कुछ मिलेगा। हाँ, इटालियन, किसी को आना है तो कैसे आए बताओ? कैसे आए? हाँ, आपको आना पड़ेगा पहले जीपी। हाँ रुक जाओ यार, मैं थक जाऊँगा। जिब्बी से आपको आना पड़ेगा 8 किलोमीटर ऊपर। ओके, और वहाँ है हमारा फ्री बर्ड नेस्ट। तो क्या क्या सुविधाएं क्या है बताओ ना थोड़ा। सुविधाएं हीटर है, गीजर है, और थोड़ी लाइट, पहाड़ों में तो बर्फ़ गिरती तो लाइट की प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन ये मुझे लग रहा है, जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कि जो यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर घूमने आएंगे लोग, तो उनको अपना 5-स्टार लग्जरी छोड़ के आना पड़ेगा, इन्हें नेचर मिलेगा, गलत हूँ? ऑब्वियसली जब माउंटेन्स में आ रहे हो तो मेरा काम है कि मैं आपको कंफर्ट स्टे कराऊं, बट उसके साथ साथ थोड़ी स्ट्रगल भी होगी, ठंड भी होगी। तो जब से शुरू किया आपने, जब से आपने शुरू किया पहली बार ये स्नोफॉल हुआ है? हाँ, ये फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, क्योंकि स्पेशली आप भी यहाँ पर यूज टू हो रहे हैं? यार मैं तो एक्चुअली देखना चाह रहा था कि स्नो के बाद कैसा लगेगा, सो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्नो माउंटेन्स काफ़ी बढ़िया व्यू है, सॉलिड आ रहा है, सॉलिड है बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आपको घूमने आना है, तो ये मेरे दोस्त भी हैं गणेश, और इन्होंने हाल ही में यहाँ पर अपना ये प्रॉपर्टी बनाया है, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। और जब हम रात में यहाँ पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और मेरे साथ में मेरा पूरा परिवार था, 5 महीने की बिटिया हो गई, 6 साल का बेटा हो गया,
और वाइफ, ये सब लोग बड़े धैर्य के साथ बैठे तो रहे, लेकिन जब ये स्नो पड़ गया ना तो सारी शिकायतें उनकी दूर हो गई। और ये खूबसूरत जगह मेरे लिए यहाँ पर तैयार है, जहाँ पर मेरा बेटा जो है स्नो लेपर्ड, स्नो मैन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। तो अब मैं जा रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और जहाँ से दूध मिलेगा वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं मिस्टर नवाको, जो आप देख रहे हैं, पूछ हिला रहे हैं ना, तो ये इनका नाम है नवाको जी। और ये सिर्फ कुत्ते हैं, इनके नाम पर ये ट्री कॉटेज बना हुआ है, तो इसकी रखवाली भी करते हैं, इसके मालिक भी हैं, और पूरा जो लोग आते हैं टूरिस्ट, उनके ये आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। और ये है यहाँ का तांडी गांव, जहाँ पर आपको ऊपर ये जो नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे घर बने हुए हैं, पूरा गांव इसी में बसा हुआ है, और बहुत छोटी सी आबादी है, लेकिन लोग यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और मैं देख रहा था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत यूज्ड टू हैं, और ऊपर जो दिख रहा है ना वो पूरा इलाका, वहाँ पर शिकार के लिए भी जाते हैं। कुछ ट्री कॉटेजेस भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, हालांकि अभी ढके हुए हैं बर्फ़ से, बहुत कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी मेरा लेंस कवर कर पाएगा। And I realize as you had me to go, we got by falling just like the snowflakes. तो मैं रुका कहाँ हूँ ये दिखा देता हूँ, और आपको बता दूँ जब भी से 8 किलोमीटर ऊपर आप आओगे तो आपको यहाँ पर तांडी विलेज मिलेगा, और जहाँ मैं रुका हूँ उसका नाम है, देख लीजिए आप खुद लिखा हुआ है, फ्री बर्ड्स नेस्ट ये करके है, और बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। हालांकि इनके पास सिर्फ 5 कमरे हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे उसकी खूबसूरती देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वर्थ है यहाँ पर आना। हालांकि जब ऑन सीजन होता है तो सब कुछ फुल रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी मिल सकता है, और मैं आपको इसके पहले प्रॉपर्टी के अंदर ले चलूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बड़े बड़े देवदार के वृक्ष मिलेंगे पूरा, और यही रास्ता है जिससे आपको आना है, तो आपको लगेगा कि ये कैसे आना है, तो आप जब चलना शुरू करोगे एक दो बार में आप यूज टू हो जाओगे, लेकिन ये जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको सुकून मिल जाएगा। तो आपको इसका कैफे भी दिखाऊंगा और इस पूरी प्रॉपर्टी को भी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये रास्ता जाता है सीधे, जैसे आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो एक मतलब पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ ये घर है, और ये दरवाज़ा आपको इस अंदाज में यहाँ पर मिलने वाला है, और ये स्वागत करेगा आपको, और आप अंदर जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ आना है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं नंबर भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा, उनको कॉल कर लीजिएगा, जो यहाँ के होल सोल करता धरता है उनका नंबर दे दूंगा आपको, तो बुकिंग के लिए आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा क्या लगेगा यहाँ पर, तो जो लकड़ी के घर होते हैं ना बहुत गर्म करते हैं, मतलब अगर दरवाज़ा खुला हुआ है बस, तो आपको क्या करना है इसे बंद कर दीजिए, और इसके बाद में बाहर की दुनिया से आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, और यहाँ अंदर आपको एक गर्मी महसूस होगी, और रोशनी कितनी अच्छी लगने वाली है, मतलब इसका डिज़ाइन भी देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है, और यहीं पर आपको पूरी व्यवस्था मिल जाती है इस रूम में, और एक बेड, मतलब अगर आपको ऐसा बेड मिल जाए तो मुझे लगता है कि रात में जब आप थक्के लौटेंगे तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, और कुशनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो आपको ये अच्छा लगेगा। मैंने सोचा कि एक प्रॉपर्टी का पूरा आपको नज़ारा दे दिया है, पर्दे जब आप हटाओगे यहाँ से क्या दिखेगा ये भी दिखा देता हूँ आपको, आप पर्दे हटाते जाइए और ये खूबसूरती आपको यहाँ पर अपनी तरफ बुलाती चली जाएगी, मतलब ये आपका व्यू हो गया, आप लेटे लेटे इस नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, जो कि पूरा पीछे पहाड़ का दिख जाता है। और यही नहीं, अगर आपका मन करता है कि भैया बहुत हुआ यहाँ पे लेटे लेटे, अब मुझे बाहर बैठना है, तो यहाँ पर एक सामने बालकनी दे दी गई है आपके लिए, और यहाँ देखिए चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी दिया गया है, और बाहर पूरी बैठने की व्यवस्था इन्होंने दी हुई है, जहां आप इस तरीके से कुछ इस अंदाज में बैठ सकते हैं, चाय पीते हुए नेचर से रूबरू हो सकते हैं, यूं बोले साक्षात्कार कर सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। और जब आप अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो आपको ट्विस्टी रोड ही नहीं मिलते हैं, यहाँ पहुँचने के लिए
जब आप यहाँ पहुँचोगे। और अभी क्योंकि बर्फ़ गिरी थी जब मैं यहाँ आया था, तो आपको भी थोड़ी थोड़ी अभी नज़र आएगी क्योंकि पूरी तरह से पिघली नहीं है। और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर जब सनराइज होता है तो अच्छा लगता है, और सनसेट होता है वो भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और ये चीज़ आपको यहाँ बहुत अच्छी लगेगी, और इस प्रॉपर्टी को यही वो बात है जो सबसे अलग बनाती है। मुझे तो बहुत पसंद आया, आप भी चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस मैंने आपको दिखा दिया इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को। तो दोस्तों, जहां मोहब्बत होती है ना, वहां पर जीत पक्की है। और मैं आपको बता सकता हूं क्यों, क्योंकि मेरे पास आज के समय में 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और आपकी मोहब्बत के बदौलत मैं कुछ भी कर पा रहा हूं। तो साल 2020 लोगों ने मातम की तरह मनाया, उनको लगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा संकट काल होता है वो आ गया। लेकिन आपको बताता चलूं, इस साल ने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, और मैंने सोचा जब साल ये जा रहा है जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। इस वजह से मैं दिल्ली से निकला, ह्यूंडई की वर्ना ली, अच्छा साथ निभाया उस गाड़ी ने, और मैं सीधे आया थ्री बर्ड्स नेस्ट। और आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत लाजवाब था। और इस व्यू के साथ मैं आपको छोड़े जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में जो मैं ब्लॉगिंग करूंगा, जो पर्सनल ब्लॉगिंग आप देखते हो कभी कभार मैं करता हूं, ये मैं करूंगा साल 2021 में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ जानना या जुड़ना चाहते हैं, या चाहते हैं आपकी थ्री बर्ड्स नेस्ट में आप भी आए विजिट करें, तो मैं नंबर दे दूंगा, भाई साहब को कॉल कर लीजिएगा, आपको जरूर मदद करेंगे वो, और एक अच्छे रेट पर आपको यहाँ पर रूम अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, वहाँ सबका स्वागत है। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। It's starting to snow, and I realize as you had me.